हेलो गाइस वेलकम बैक टू जेके स्टडी ऑनलाइन गाइस मैं लाया हूँ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सेशन जिसमें हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स फ्रॉम थर्ड जुलाई टू नाइन जुलाई 2023 ये आपके अपकमिंग लगभग हर एक एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगा अगर आप कोई भी कंपिटिटिव एग्ज़ाम इन फ्यूचर देंगे उसके लिए ये करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को ही सिलेक्ट किया गया है लिया गया है ठीक है तो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा हु बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिटर्सल कमीशन तो ऑप्शन हैं जस्टिस अजय अग्रवाल बी ऑप्शन है जस्टिस एपी शाही सी ऑप्शन है जस्टिस रमेश सिन्हा और डी ऑप्शन है जस्टिस दीपक कुमार मिश्रा अगर आपने डेली करंट अफेयर्स को पढ़ा है तो आई होप आपने इसका राइट आंसर गैस कर लिया होगा मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी यानी जस्टिस ए पी सिंह अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिटर्सल कमीशन तो क्वेश्चन नंबर वन का बी ऑप्शन राइट रहेगा सेकेंड क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट पीसफुल कंट्री इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल पीस इंडेक्स ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ग्लोबल पीस इंडेक्स ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के अंदर मोस्ट पीसफुल कंट्री कौन सी है सबसे जहाँ पर शांति है ये आपसे पूछा गया है ऑप्शन हैं डेनमार्क बी ऑप्शन है आयरलैंड सी ऑप्शन है न्यूजीलैंड और डी ऑप्शन है आइसलैंड तो मैं आपको बता दूँ इसका जो राइट right आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी लास्ट ईयर भी आइसलैंड ही था और इस ईयर भी आइसलैंड ही है जो मोस्ट पीसफुल कंट्री है यहाँ पे आपको इंडिया की रैंकिंग भी पता होनी चाहिए जहाँ 163 कंट्रीज़ को टोटल लिया गया था उसमें इंडिया की रैंकिंग रंक, आपको पता होनी चाहिए आपसे आइसलैंड भी पूछा जा सकता है या फिर पूछा जाएगा इंडिया की रैंकिंग तो इंडिया की इसमें रैंकिंग रही थी वन ठीक है इंडिया वन नंबर पे था यह भी आपको ध्यान रखना है 163 कंट्रीज में मोस्ट पीसफुल कंट्रीज में ठीक है आइसलैंड ने उसमें टॉप किया है चलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड इंडिया हैज़ साइंड एम यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच कंट्री फॉर इलेक्शन कॉरपोरेशन ठीक है इलेक्ट्रल कॉरपोरेशन की फील्ड में इंडिया ने किस कंट्री के साथ एम साइन किया है तो मैं आपको बता दूँ ऑप्शन तो दिए हुए हैं ब्राज़ील अर्जेंटीना पनामा और साथ में डी केनिया तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी यानी पनामा पनामा के साथ इंडिया ने एम साइन किया है वहाँ की इलेक्शन सिस्टम को वहाँ पे जो इलेक्शन कंडक्ट करवाई जाएंगी उसको स्मूथ करने के लिए उनको तो चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड तो प्रेजिडेंट ऑफ बास्केटबॉल फेडरेशन के लिए किनको चुना गया है ऑप्शंस तो दिए हुए हैं रिया सिंह बी ऑप्शन है अर्जुन मोहार्थी सी ऑप्शन है आदव अर्जुन और डी ऑप्शन है अजय सिन्हा तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर है जो है वो रहेगा ऑप्शन सी यानी आदव अर्जुन इनको थर्टी नाइन टोटल बोर्ड थे उसमें से थर्टी एट इनके फेवर में पड़े हैं सिर्फ एक वोट इनके खिलाफ में पड़ा था तो ध्यान में रखना आदरव अर्जुन बन चुके हैं प्रेसिडेंट ऑफ बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के तो चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हमारा हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो आर का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए हैं न्यू तो ऑप्शन तो है पी वासुदेवन बी ऑप्शन है उर्जित पटेल सी ऑप्शन है पी के सिन्हा और डी ऑप्शन है राजीव कुमार तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी पी वासुदेवन को अपॉइंट किया गया है न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ रिजर्व बैंक तो ये आपको ध्यान में रखना है रिजर्व बैंक ने न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को अपॉइंट किया है जिनका नाम है पी वासुदेवन चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट है हमारे क्वेश्चन नंबर सिक्स विच कंट्री हैज़ बिकम द न्यू परमानेंट मेंबर ऑफ शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ठीक है तो इसका न्यू मेंबर कौन बना है यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था शिंगाई कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एस सी ओ का मेम्बर ठीक है न्यू मेम्बर कौन बना है ठीक है तो याद में रखना इसको इंडिया ने इसकी प्रेजिडेंसी इंडिया के पास थी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के अंडर ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि एस सी ओ का जो समिट था वो किसने कंडक्ट करवाया था किसके पास प्रेजिडेंसी थी तो इंडिया के पास थी इंडिया ने जिसको वर्चुअली करवाया था ठीक है ये आपको ध्यान में रखना है वर्चुअली करवाया था और यहाँ पूछा गया है न्यू कंट्री कौन सी ऐड हुई है ऑप्शंस तो दिए हुए हैं हमें ए ऑप्शन है श्रीलंका बी ऑप्शन है बेलारूस सी ऑप्शन है मंगोलिया और डी ऑप्शन है ईरान तो मैं आपको बता दूँ इसका जो राइट आंसर है वो है ईरान ईरान को इसमें ऐड किया गया है एज ए न्यू परमानेंट मेंबर ठीक है तो शंघाई कॉरपोरेशन के अब मेंबर ईरान भी होगा ये आपको ध्यान में रखना है इसके मेंबर्स में अगर आपसे पूछा जाएगा इंडिया ठीक है शॉर्ट में मैं बताऊंगा इंडिया पाकिस्तान रशिया चाइना और साथ में फोर सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं जिनमें उज्बेकिस्तान किर्गिस्तान और भी दो कंट्रीज हैं सेंट्रल एशिया की ठीक है जो रशिया से ही निकली थी ये आपको ध्यान में रखना है तो टोटल कितने मेंबर्स हैं तो फोर ये और फोर एट थे पहले अब इसमें नाइन्थ मेंबर ऐड हुआ है ईरान ये आपको ध्यान में रखना है चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ सेलेक्टर ऑफ इंडियन मैंस क्रिकेट टीम तो इंडियन मैंस क्रिकेट टीम यानी जो इंडिया की मैंस क्रिकेट टीम है उसमें चीफ सेलेक्टर जो है वो कौन अपॉइंट हुआ है ये आपसे पूछा गया है क्योंकि इससे पहले जो चेतन शर्मा थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था ठीक है उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था अपनी बॉस से फेबररी मंथ में ठीक है तो अब न्यू अपॉइंट हुए हैं ऑप्शंस तो दिए हुए हैं सौरभ गांगुली वरिंदर सहवाग अजीत अगरकर और साथ में वेंकटेश प्रसाद तो मैं आपको बता दूँ सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है इंडियन फास्ट बॉलर अजीत अगरकर फॉर्मर बोलेंगे अभी तो नहीं है रिटायर हो चुके हैं तो अजीत अगरकर को चीज़ चीफ सेलेक्टर ऑफ इंडियन मेंस टीम क्रिकेट का तो अपॉइंट किया गया है तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर सेवन का चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एट विद होम हैज डी जी सी ए टाइड अप फॉर ड्रोन टेक्नोलॉजी ठीक है तो डी जी सी ए ये ये बॉडी है इंडिया की तो ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए इसने किसके साथ टाइड टाइप किया है तो मैं आपको बता दूं ऑप्शंस दिए हुए हैं इसरो गरुड़ा एरोस्पेस नासा या फिर ई एस ए तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट right आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी यानी ई ए एस ए की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है यूरोपियन यूनियन ठीक है यूरोपियन यूनियन एविएशन और एस से फुल फॉर्म है सिक्योरिटी और ए से है एजेंसी तो फुल फॉर्म क्या रहेगी ई एस ए की यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ठीक है इसके साथ टाइप किया है डी जी सी ए ने ड्रोन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ठीक है तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर एट का चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर नाइन की ओर हु हैज़ बीन रिपॉइटेड एज द सोलिसटर जनरल ऑफ इंडिया ठीक है सोलिसिटर्स जनरल के बारे में भी आपने सुना होगा तो रीअपॉइंट हुए हैं मतलब इससे भी पहले यही थे तो आपने आर्टिकल सेवेंटी सिक्स के अंदर सुना होगा अटॉर्नी जनरल जो होता है एक तरह से गवर्नमेंट का लॉ ऑफिसर ठीक है तो उन्हीं के अंडर आते हैं सॉलिसिटर जनरल भी तो सोलिसिटर जनरल कौन रीअपॉइंट हुए हैं ऑप्शंस तो दिए हुए हैं आलोक सिन्हा कपिल सिब्बल सी ऑप्शन है अनुराग पुरी और डी ऑप्शन है तुषार मेहता तो मैं आपको बता दूँ इसका राइट आंसर रहेगा तुषार मेहता यही पहले भी थे और इन्हीं को फिर से रीअपॉइंट कर दिया गया है यानी तुषार मेहता ही हैं अभी भी इंडिया के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया अटॉर्नी जनरल कौन है इंडिया इंडिया के जो आर्टिकल सेवनटी सिक्स के अंडर आते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लेकिन ये आपको ये ध्यान में रखना है सॉलिसिटर जनरल की जो ये पोस्ट है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशन नहीं है ठीक है ये अलग से ऑर्डर के थ्रू क्रिएट की गई थी जबकि आर्टिकल सेवनटी सिक्स के अंदर अटॉर्नी जनरल जो हैं इंडिया के वो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है ठीक है तो आपको मुझे बताना है कि इंडिया के अटॉर्नी जनरल कौन है प्रेजेंटली ठीक है चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर हु हैज टेकन ओथ हेज द न्यू डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र महाराष्ट्र में आपने देखा ही होगा जहाँ पे किसी को भी मेजॉरिटी नहीं मिली थी तो स्टार्टिंग में तो बीजेपी वहाँ से बाहर निकाल के वहाँ पे तीन पार्टियों ने क्वालिशन क्रिएट की थी एनसीपी कांग्रेस और साथ में उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने ठीक है लेकिन अब फिर उसके बाद वहाँ पे कुछ जो पार्टी में डिस्प्यूट्स की वजह से वहाँ पे बीजेपी और साथ में शिवसेना से कुछ निकले हुए लीडर्स ने वहाँ पे गवर्नमेंट बनाई थी तो फिर वहाँ पे आपको पता होगा महाराष्ट्र के सीएम बने थे शिंदे ठीक है आपने उनके बारे में सुना होगा तो अभी एनसीबी के भी लीडर जो हैं ये भी जाके मिल गए हैं इनके साथ तो अभी कौन है तो मैं आपको बता दूं ये है अजीत पवार ठीक है पिछले पांच सालों में थर्ड टाइम ठीक है थर्ड टाइम ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं महाराष्ट्र के ये आपको ध्यान में रखना है तो कौन है अजीत पवार न्यू डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र ठीक है ये आपको ध्यान में रखना है तो इसी के साथ हमारे इम्पोर्टेंट टेन क्वेश्चन कम्प्लीट होते हैं इस वीक के लास्ट वीक के अगर आपने नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे और गाइज़ अगर आपको हमारे एफर्ट्स सही लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें और साथ में अगर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इन फ्यूचर हमारी तरफ से कभी भी न्यू वीडियो आए तो आप उसको अक्सेस कर पाओ सबसे पहले तो थैंक यू गाइज